70 मनी है भैया, 90 चले। चलो गाइस अपना 400 जूरी मेथी बिक चुका है, पैसे भी दे चुके हैं भैया, ये देखो। चलो अभी टोटल सेलिंग की बात करें ना, तो ये देखिए दोस्तों इतने रुपीस का सेल किया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों 6:30 और अभी हम लोग आ चुके हैं मेथी की हार्वेस्टिंग करने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लास्ट रूहरू मचा हुआ है। इस साइड धनिया लगा था और मिर्च लगा था, मिर्च में भी फूल लगने स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए दिख रहा है फूल, इसका देखभाल अच्छे से नहीं हो पाया है यार, वरना अब तक अच्छा ग्रो कर लिया रहता। चलो अभी इसमें खाद वगैरह दे के पानी पलाएँगे और यही वाला बस डुहरू बचा है अभी लास्ट। ये देखो इस साइड को पूरा हार्वेस्ट कर दिए हैं और खुदाई भी कर दी है ज़मीन की, अब दूसरा फसल लगाएंगे। चलिए दोस्तों अभी बचा है उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मेथी को हार्वेस्ट कर लिए हैं, ये देखो भाई उधर रखा हुआ है और 100 जूरी को गिनती करके झोला में डाल भी लिए हैं और इधर रखा है थोड़ा सा। चलो अभी गिनती करके झोला में डाल लेते हैं। सो दोस्तों गिनती करके झोला में डाल के ले आए हैं अभी दूसरे बाड़ी के पास मेथी को। ये देखो भाई इस वाले बाड़ी का मेथी हार्वेस्ट करेंगे पूरा। इधर ऊपर साइड मेथी लगा है, इस साइड धनिया लगा है और धनिया भी हार्वेस्ट किए थे, ये देख सकते हैं शाम को वो रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। धनिया का भी क्वालिटी ज़बरदस्त है, मस्त हरा भरा एक लेवल से है धनिया, छोटा बड़ा वाला काम नहीं है इसमें। अभी इसमें का मेथी हार्वेस्ट कर रहे हैं। चलो अभी इन सभी धनिया को गिनती करके झोला में डाल देते हैं। पहले गिनती कर लेता हूँ कितना जूरी हुआ है धनिया। धनिया को गिनती करके झोला में डाल दिए हैं, अभी 450 जूरी हार्वेस्ट हुआ है। अब उसको 500 जूरी कर देते हैं भाई, 50 जूरी और हार्वेस्ट कर देते हैं। और मेथी भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी मेथी को टोटल बताऊंगा कितना जूरी हार्वेस्ट करेंगे उसको। चलो पहले धनिया को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी धनिया को हार्वेस्ट कर लिया है 50 जूरी और, तो 500 जूरी हो चुका है ये देखिए। और मेथी भी इधर हार्वेस्ट कर रहे हैं, लगभग 500 जूरी मेथी भी हो जाएगा अभी। 200 जूरी हार्वेस्ट, सॉरी यार 250 जूरी अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं और 250 जूरी उस बाड़ी में हार्वेस्ट किए थे, 500 जूरी वो भी हो जाएगा। चलो अभी धनिया को ले चलते हैं टंकी के पास। अभी दोस्तों धनिया मेथी को ले आए हैं टंकी के पास। वो देखो उधर धनिया रखा हुआ है और इधर मेथी रखा हुआ है, ये देखो भाई धो रहे हैं पापा। अब मैं तैयार हो जाता हूँ मार्केट जाने के लिए। अभी का इसमें तैयार हो चुका हूँ मार्केट जाने के लिए। चलिए अब गाड़ी को लोड कर लेते हैं। सो दोस्तों गाड़ी को लोड कर लिए हैं, अब चलिए चलते हैं मार्केट। अभी दोस्तों मार्केट पहुंच चुके हैं और ये देखो यहाँ पे मेथी को रखे हैं और वो रहा धनिया अपना, और ये मीडियम में है भाई, मतलब बीच में है अभी मार्केट के। ये देखो अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ है, आज थोड़ा जल्दी पहुंच गया है मार्केट, वरना ट्रैफिक में ही फंस जाते थे। चलो अभी बेचते हैं, देखते हैं क्या रेट तक बिक पाता है आज मेथी धनिया। चलो गाइस बोहनी हो रहा है धनिया से। ये भैया लिए हैं भाई 50 जूरी लिए हैं, 100 रुपये सैकड़ा में दिए हैं। चलो गिनती कर देते हैं। चलो गाइस हो गया यार 50 जूरी दे दिए भैया, पैसा ले लेते हैं।
देखो 50 जोड़ी का 50 रुपये, मतलब 1 रुपये जोड़ी पर 100 रुपये सैकड़ा। चलो गाइस 50 जोड़ी अपना धनिया बिका है, अब बाकी बचा हुआ यार भी बहुत सारा बचा है हुआ है। आज टोटल था दोस्तों अपना 1000 जोड़ी, 500 जोड़ी धनिया, 500 जोड़ी मेथी। अब देखते हैं 1000 जोड़ी में से आज कितने का सेल कर पाते हैं, कितना पैसा बना पाते हैं। अभी है धनिया 130 का भाव रखबे बताता हूँ, 60-70 वाला नो है। 60 रुपये मांग रहे हैं भाई धनिया को, 60 रुपये में कहाँ से आएगा यार। अभी देखते हैं, अब बाद में कम होगा देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल 100 रुपये से कम में नहीं देंगे। 70 में नहीं है अभी, 90 80 दूधी छन मांग दे लीजिएगा। सौ ठी बस बचे है रखना है पता। चलो गाइस अपना 400 जूरी मेथी बिक चुका है, 80 रुपये सैकड़ा में दिए हैं, एक ही भैया रखे हैं। अब है 40 लगा रहे, 40 रुपये चला थे का? 80 मत दे हमें, 80 में दे हम, 80 में 100 ठी बस तो बचे है, 100 ठी बचे, 400 एक झन रख दे पैसा वैसा सब दे डरे, 100 ठी बचे है मत उसे भाव दे हमें। 200 जूरी लूंगा बोल रहे थे लेकिन 60 रुपये मांग रहे थे, अब 80 रुपये में दिया हूँ मैं अपने मेथी को। 400 जूरी बिक चुका है, पैसे भी दे चुके हैं दिया, ये देखो। अब धनिया बचा हुआ है 450 जूरी और 100 जूरी मेथी, उसको भी देखते हैं क्या रेट में बिकेगा। चलो गाइस अभी मेथी 50 जूरी और बिक चुका है, 85 जूरी बचा है। और ये देखो हमारे सेठ जी भी आ गए, क्या हाल है सर? ठीक है भाई, क्या लेने आए हो यार, आज तो आपका मार्केट नहीं है। पैसा देने आया था भाई, कमीशन उधारी बचा था ना, क्या दिवाली पे बोनस मिलता है बोलते हैं, तो देने आया था, तो सब लोग 200-200 रुपए दिए भाई। मतलब कुछ तो बचत हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। चलो गाइस अभी गिनती कर लेते हैं 50 जूरी मेथी को। चलो गाइस 50 जूरी मेथी गिनती करके रख दिए हैं, ये देखो यहाँ पे रखे हुए हैं। अब 50 जूरी बस बचा है यार मेथी, और धनिया तो पूरा बचा हुआ है 450 जूरी। चलो अब बेचते हैं इसको भी, देखते हैं क्या रेट में बिकेगा। अभी दोस्तों मेथी गिनती किए थे 50 जूरी, उसको ले गए हैं यार। अब इसमें से 50 जूरी और निकालना है, बाकी 400 जूरी को एक ही भैया रखे हैं, और धनिया को कोई नहीं मांग रहे हैं। देखिए मार्केट का हाल, पता नहीं क्या हो गया, धनिया को कोई मांग ही नहीं रहे हैं, धनिया का डिमांड नहीं है लग रहा है आज। मेथी को बहुत लोग मांग रहे थे लेकिन धनिया को पूछ ही नहीं रहे। चलो देखते हैं क्या रेट में बिकेगा। सो गाइस अभी मेथी को दे दिए हैं भैया को, खुद आ गए थे यार, वो पहला कस्टमर है जो अपना मेथी खुद ले गए हैं। ये देखो झोला खाली हो चुका है अपना, अब 50 जूरी गणपत भी अकेले रखे हैं, और धनिया पूरा बचा ही हुआ है यार, धनिया को मांग ही नहीं रहे हैं। चलो देखते हैं क्या रेट तक बिक पाएगा आज धनिया। चलिए दोस्तों अभी गणपत भी के लिए धनिया को गिनती कर देते हैं 100 जूरी। चलो गाइस एक और भैया को दे दिए हैं आपको, उसके लिए पहले गिन देते हैं, उसके बाद गणपत भी के लिए गिनती करेंगे। चलो गाइस 100 जूरी हो चुका है, चलो गाइस अब 100 जूरी और गिनती कर देते हैं गणपत भी अकेले। चलो गाइस 100 जूरी और हो चुका है गणपत भी अकेले, 250 जूरी बच गया है, उसको भी बेचते हैं। अभी दोस्तों अपना धनिया बिक चुका है यार, एकदम कम रेट में सेल किए हैं। ये देखो भांजे खाली करके आए अभी, है ना भांजे? खाली करे थे, कल तो जूरी दी थी। ठीक, और ये गणपत भी अब इसका बाकी है, इसको भी छोड़ कर आते हैं। चलो अब लास्ट में गणपत भैया के पास छोड़ कर आते हैं 100 जूरी धनिया और 50 जूरी मेथी। अभी गाइस गणपत भैया के पास पहुँच चुके हैं, ये देखो यहाँ पे उनका सामान रखा हुआ है, और इस झोला में अपने को खाली करना है भाई धनिया मेथी को। चलो धनिया मेथी को ट्रांसफर कर देते हैं, अभी गणपत भैया नहीं आए, थोड़ा लेट में आएंगे। अभी गाइस गणपत भैया आ गए थे और उनके गाड़ी को भी लोड कर लिए हैं भाई, ये देखो
कुछ इस प्रकार से है सेटअप इनका। 4 कैरेट टमाटर है और फिर कहाँ गायब हो गए हैं। चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, पैसा को देंगे तब तो ठीक है, नहीं देंगे तो कल ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये यार देखो गणपत सेठ आ गया, क्या हाल है सर? ये देखो ना यार मेरा हाल यार, छोटा आदमी तो, अरे तो आप खुद जानबूझकर ओवरलोड ले जाते हो यार। ये देखो गाइस कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड है, अब मुझे क्या मालूम यार, पुलिस तो नहीं है यार अभी, पुलिस थोड़ी ना पकड़ेगा इतना लोड ले जा रहे हो यार। नहीं पकड़ेगा यार, नहीं पकड़ेगा। कमेंट करो मेरा सामान देखकर कैसे लग रहा है उसको, बताओ। चले सर, चलो चलो गाइस चलते हैं। अभी आ चुका हूँ दोस्तों अपने बाइक के पास और ये देखो झोला को लटका दिए हैं बाइक में। चलिए अब चलते हैं घर, कितने का सेल किया हूँ ये घर जाके बताता हूँ। अभी दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और आज के मार्केट की बात करें ना तो आज का मार्केट यार खास अच्छा नहीं रहा। मेथी तो बहुत जल्दी बिक गया लेकिन धनिया बिक ही नहीं रहा था गाइस, लास्ट में एकदम कम रेट में सेल करना पड़ा यार, पता नहीं क्या हो गया था। आज दूसरे दिन तो 100 रुपये सैकड़ा जा रहा था, आज 80 रुपये भी सैकड़ा नहीं गया यार, 60 रुपये में दिए थे और बचा उसको 50 रुपये में भी दे दिए। चलो अभी टोटल सेलिंग की बात करें ना तो ये देखिए दोस्तों इतने रुपीज़ का सेल किया हूँ, चलिए इसको गिन के दिखाता हूँ। तो ये 200 अकाउंट है दोस्तों, 2, 1, 3, 4, 5 और ये 50, 20, 70, तो 570 रुपये है दोस्तों। लेकिन ज़्यादा का सेल किए हैं, आप कितने का सेल किए हैं उसको बता देता हूँ। 270 रुपये का अपना धनिया हुआ है दोस्तों, 250 जूरी को 60 रुपये सैकड़ा में दिए और 250 जूरी को 50 रुपये सैकड़ा में दिए, तो 500 जूरी था तो वो बना था अपना 270 रुपये का। और मेथी को 80 रुपये सैकड़ा में दिए थे तो वो बना था अपना 400 रुपये का, 500 जूरी वो भी था। तो 400 का मेथी हो गया प्लस 270 रुपये का धनिया, तो टोटल हो रहा है दोस्तों अपना 670 रुपये, मतलब 500 जूरी धनिया था, 500 जूरी मेथी, टोटल 1000 जूरी था और 1000 जूरी को मात्र 670 रुपये का सेल किया है गाइस। 670 रुपये में से अपने पास 570 रुपये बचे है, 100 रुपये खर्चा हो गया। घर का सामान लाया हूँ उसमें डेली 200-200 सामान लगा ही रहता है यार, घर में डेली का खर्चा है और पेट्रोल भी डलवाया रहता, लेकिन पेट्रोल नहीं डलवाया हूँ आज, वरना 60 रुपये पेट्रोल डलवाया रहता तो 60 रुपये और इसमें से खर्च हो जाता, 510 रुपये आज बचता। चलो यार क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही चलेगा मार्केट, अब हो सकेगा कल से जाऊंगा अपना रिटेल मार्केट। अभी ना काम के चलते ना रिटेल मार्केट भी नहीं जा पा रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। अभी शाम को भी हार्वेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत धनिया को और बाकी बचा रहता है उसको सुबह हार्वेस्ट करते हैं, फिर भी कल हो सकेगा जाऊंगा मैं रिटेल मार्केट। तो ठीक है दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहा यार आज का मार्केट, तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं दोस्तों। कैसा लगा आज का ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। जय जय भारत।